करते हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन सीटवार मंथन के बाद पार्टी न केवल उम्मीदवार फाइनल करने बल्कि इस चुनाव के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी कर रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, चुनावी रणनीति को दिग्गज देने लगे धार। बीजेपी की विफलताओं पर होगा तगड़ा प्रहार, 6 सीटों पर जोरदार जीत, बीजेपी होगी चौतरफा चित। रणभेरी बजने के पहले ही व्यूह रचना शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने वॉर रूम में रणनीति बनाने और उसे जमीन पर अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। मंगलवार को देवली उनियारा खींवसर पर मंथन हुआ, बुधवार को झुंझुनू और दौसा में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस कई नए एक्सपेरिमेंट करने वाली है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खास 5 लोगों की कमेटी बनाई है। उम्मीदवारों को आलाकमान की खास टास्क पूरी करनी होगी। इसमें बीजेपी की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के टास्क दिए जाएंगे कि जनता के बीच जाएंगे और जो बीजेपी गवर्नमेंट है राजस्थान की और केंद्र सरकार की, इनकी विफलताएं उजागर करेंगे, जो वादे किए और नहीं निभाए, जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए, वो सब चीज़ें हम लेकर के जाएंगे और हम क्या विजन रखते हैं आगे के लिए वो जनता के बीच जाएगा। सीधे ग्रास रूट वर्कर से या जो है उसको मोबालाइज करके जनता के बीच, जनता से सीधा संवाद हो, इसकी कवायद चल रही है। बुधवार की बैठक में झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीट को लेकर मंथन किया गया, जिसमें झुंझुनू से सांसद बने ब्रजेंद्र ओला और दौसा से सांसद बने मुरारीलाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारी और एक्टिव कार्यकर्ता समेत संभावित उम्मीदवार भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रखा है, सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा। जीतने वाला उम्मीदवार जो जीते, और तय बात है, देखिए आज की जो परिस्थितियां हैं आपने देखा होगा, जब से राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, बनी है, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में एक सिमिलर पैटर्न है। आप देखिएगा कर्णपुर का चुनाव, आपने चुनाव हो रहा है, चलते चुनाव में आपने मंत्री भी बना दिया, उसके बाद बीजेपी हारी। लोकसभा चुनाव बड़े बड़े दावे थे, 4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे हर सीट को, यहाँ क्या हुआ आप देखिए। तो ये स्थितियाँ हमने किसी जो ये बनी है वो इसलिए बनी है कि एक तो बीजेपी सरकार डिलीवर करने में फेल रही है, दूसरी हमारी जो सक्रिय हमारे कहना चाहिए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सीधे जनता के बीच हैं, तो वो जाकर के जनता को के बीच हमारे लिए वोट मोबिलाइज कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पीसीसी चीफ डोटासरा बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर कांग्रेस के चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पर पहले दिन 2 विधानसभा सीटों के लिए हुआ, आज 2 के लिए हुआ, कल 2 और के लिए होगा, और ये एक जो विज़न है कांग्रेस का इस बार उपचुनाव के लिए कि संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जाए, ग्रास रूट लेवल पर सभी को एकजुट किया जाए और नतीजे जो होंगे वो तो दावे सबके अपने अपने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेला जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।